बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अच्छा, सर। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पावर पढ़ा था, है ना? पावर पढ़ा था और पावर के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं पावर के, जल्दी से देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए आपसे कि बच्चों, एक वेल है। वेल आप जानते हो सभी लोग, कुआं। गांव में जो लोग रहते हैं या कभी गांव गए हैं तो उन्होंने जरूर देखा होगा। तो कुएं में इस तरीके से वाटर है बच्चों, पानी है ना? और ये जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी दी गई है 1000 kg/m³। और अगर नहीं भी दी जाती तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1000 kg/m³ होती है ना, ये वाटर की डेंसिटी। अब उन्होंने बोला कि इस वेल में से पानी निकालना है, तो यहाँ पे एक मोटर लगाई गई बच्चों, मोटर या पंप जो भी आप बोलना चाहो, एक मोटर लगाया गया है, या फिर आप इसी को बोल सकते हो कि पंप लगाया गया है ना। और ये पाइप है, तो ये पाइप ऐसे नीचे गया है, तो जो मोटर है, मोटर से जो नीचे पाइप गया है वाटर लेवल की सरफेस तक, ये बताया गया है कि ये 10 मीटर की हाइट है। 10 मीटर की हाइट मतलब 10 मीटर नीचे पानी का सरफेस है, वहां से पानी को निकालना है और हमें बाहर निकालना है। उसके लिए तो मोटर और पंप लगाया ना हमने, और फिर इसको ऐसे बाहर निकालते हैं भाई। और यहाँ पर बच्चों एक नल लगा हुआ है ना, इस तरीके से एक नल लगा हुआ है, ऐसे समझो आप, यहाँ पे ऐसे। इस तरीके से एक ऐसे नल लगा हुआ है, तो जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हो तो इस नल से पानी ऐसे नीचे की तरफ भागता है। अच्छा, ये जो नल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 m² है, ये बताया गया आपको कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 m² है। और जब इस नल को ओपन करते हो तो जो इसमें पानी निकलता है, पानी, तो पानी की जो वेलोसिटी है, वाटर की जो वेलोसिटी है वो 10 m/s है। मतलब 10 m/s की रफ्तार से पानी निकलता है बाहर नल से, जब भी आप मोटर को ऑन करते हो, नल को चालू करते हो, ये आपसे बोला गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है बच्चों वो 0.1 m² है। तो पानी को नीचे से ऊपर लाना 10 मीटर हाइट तक, और फिर नल से उसका निकलना कितनी रफ्तार से, 10 m/s। इसके लिए इस मोटर की कुछ ना कुछ पावर तो होगी भाई, इस काम को करने के लिए मोटर की कुछ तो पावर होगी, जो पूरा इस पानी को ऊपर लाकर फिर उसको 10 मीटर की रफ्तार से फेंक रहा है। तो पावर की मोटर की पावर निकालनी है कि अगर ये काम कर रही है मोटर, तो मोटर कितने पावर की लगाई गई होगी, है ना? तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द पावर पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड, तो कितने पावर की मोटर हमें चाहिए अगर ये काम करना है, वेल से पानी बाहर भी निकालना है और कितनी रफ्तार से निकलना चाहिए, 10 m/s। अब देखो बच्चों, ये थोड़े से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे समझेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये देखें कि जब आप पावर चाहिए मोटर की, तो आपको एनर्जी पर यूनिट टाइम चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टाइम चाहिए, चाहिए तो यही भाई। अब आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है कि जब पानी यहां से निकल रहा है, कितनी रफ्तार से निकल रहा है बच्चों, 10 m/s। सोचो, ये आपका, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, किसका बच्चों, वो नल का, यानी 0.1 m² मीटर स्क्वायर है ना बच्चों। और यहां से पानी अब निकल रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अच्छा, ये पानी जो है वो कितनी रफ्तार से निकल रहा है, तो 10 m/s। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन वन सेकेंड में पानी की कितनी लेंथ बाहर आ जाएगी नल से, कितनी लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा बच्चों, सोचो आप, सोचो सोचो भाई। पानी की रफ्तार जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो 10 m/s है, तो ऑब्वियस ही बात है, एक सेकंड में ये कितनी लेंथ कवर कर लेगा पानी, 10 मीटर की भाई। 10 m/s से चल रहा है ना, तो 10 m/s का मतलब क्या हुआ कि उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा, 10 मीटर की लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा, यानी पानी का कुछ वॉल्यूम बाहर आएगा बच्चों, वॉल्यूम बाहर आएगा। देखो
यानी वॉल्यूम पर सेकेंड जो बाहर आएगा वो हम निकाल सकते हैं। देखो ये क्या लिख सकते हैं हम कि वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ कवर्ड, और अगर वॉल्यूम पर सेकेंड चाहिए तो लेंथ कवर्ड पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हैं, और लेंथ कवर्ड पर सेकेंड ही तो वेलोसिटी है। तो जब भी आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी करोगे तो आपको वॉल्यूम पर सेकेंड मिल जाएगा। तो पानी का इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में कहाँ आएगा बच्चों? नीचे आएगा, नीचे आएगा, बाहर आएगा, इस नल से बाहर आएगा, है ना। तो वॉल्यूम पर सेकंड जो है पानी का वो कितना बाहर आ रहा है इस नल से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.1 और वेलोसिटी है 10, तो वॉल्यूम पर सेकंड जो नल से बाहर आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर क्यूब का बच्चों। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है 1 सेकंड में इस नल से बाहर आ जाता है, इस नल से बाहर आ जाता है। अच्छा, वॉल्यूम पर सेकंड अगर इस नल से 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम बाहर आ जाता है, तो आप ये सोचो कि 1 सेकंड में मास कितना बाहर आ जाता होगा, पानी का कितना मास जो है वो बाहर आ जाता है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और मास अगर पर सेकंड करें तो मास पर सेकंड जो बाहर आएगा 1 सेकंड में, जो मास बाहर आएगा वो वॉल्यूम पर सेकंड कर दो, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पर सेकंड कर दोगे तो मास पर सेकंड बाहर आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो कितना मास पर सेकंड पानी का ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में वो मिल जाएगा। डेंसिटी जो है वाटर की वो है 1000 इंटू वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो है 1 मीटर क्यूब, तो ये केजी मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब तो कैंसल, तो मास पर सेकंड जो पानी का बाहर आ रहा है वो 1000 केजी हो जाएगा बच्चों। 1000 केजी यानी 1 सेकंड में इस नल से 1000 केजी का पानी बाहर आ जाता है, 1000 किलो का पानी बाहर आ जाता है 1 सेकंड में इस नल से। इतनी पावरफुल मोटर लगा के रखी है आपने, अब उसकी पावर देखो कैसे निकालते हैं। अब आप खुद सोचो कि ये मोटर की पावर होनी कितनी चाहिए, इसमें कितना एनर्जी दे रहा है। तो भाई पहले तो पानी को 10 मीटर हाइट तक ऊपर लाना, मतलब MGH कार्य करना, MGH एनर्जी चाहिए ना। अगर H हाइट तक ऊपर लाना है पानी को, उसका मास को, तो MGH चाहिए बच्चों, और उसके बाद फिर उसको वेलोसिटी भी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी तो मोटर देगी ना। तो टोटल एनर्जी जो चाहिए पानी को बाहर निकालने के लिए, टोटल एनर्जी जो मोटर से चाहिए बच्चों वो कितनी चाहिए? उसको पहले तो हाइट तक लाना है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए जो मोटर देगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी? MGH, और हाइट 10 मीटर है, और प्लस जब वो एच हाइट चढ़ गई है, 10 मीटर चढ़ गया, तो उसके बाद रफ्तार भी है, मतलब यहाँ पे उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? ½ mv² काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। ये टोटल एनर्जी है जो मोटर को देनी पड़ेगी, तभी तो पानी एच हाइट ऊपर भी चढ़ेगा और ½ mv² से वी वेलोसिटी से बाहर भी आएगा। और पावर क्या होता है? पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड जो होगा वो टोटल एनर्जी गिवन बाय मोटर पर सेकंड होगा, पर यूनिट टाइम। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, तो एनर्जी कितनी चाहिए टोटल मोटर से? MGH प्लस ½ mv², और V की वैल्यू 10 है ना, ये हमें पता है, और पर यूनिट टाइम चाहिए। अब आप ध्यान से देखो तो ये टाइम को जरा डिवाइड करो आप, तो पावर रिक्वायर्ड बाई मोटर कितना आएगा आपका? m/टाइम, तो ये मास पर यूनिट टाइम हो गया बच्चों, कि पर यूनिट टाइम में इतना मास आना चाहिए तो इतनी पावर रिक्वायर्ड होगी, है ना, इंटू जी इंटू एच कर देते हैं, और ये टाइम का इस मास के साथ भी लिख लेते हैं, तो ½ मास पर यूनिट टाइम इंटू v², और मास पर यूनिट टाइम तो हमें पता है मास पर सेकंड, दैट इज 1000 kg, इतना पानी बाहर आ रहा है अगर हमें इतनी एनर्जी चाहिए मास पर सेकंड। तो यहाँ पे आप m/t की वैल्यू 1000 रख दो, तो मोटर की पावर रिक्वायर्ड जो है वो निकल आएगा। मास पर यूनिट टाइम कितना है? 1000, तो यहाँ पे हम 1000 लिख लेते हैं बच्चों। जी की वैल्यू 10 लिख लेते हैं। हाइट कितनी बाहर आएगी बच्चों? हाइट कितनी ऊपर चढ़ना है? तो 10 मीटर प्लस हाफ मास पर यूनिट टाइम जो है, कितना मास है पर यूनिट टाइम बाहर आना चाहिए? तो 1000 इंटू v², तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 50 बन जाएगा, और ये 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 1000, तो 100 इंटू 1000 जो होगा, तो इसको आप 100 किलोवाट लिख सकते हो, किलोवाट में लिख सकते हो ना, किलोवाट में 10^3 होता है, तो 1000 को हम किलोवाट में लिख रहे हैं, किलोवाट लिख लेते हैं ना बच्चों, प्लस यहाँ पे ये 50 किलोवाट, 50 इंटू 1000 है ना, तो 50 किलोवाट लिख लो, 1000 के फैक्टर को हम किलोवाट में लिख लेते हैं। तो जो मोटर की पावर रिक्वायर्ड है, पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड विल बिकम
150 किलोवाट। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है कि 150 किलोवाट की जब मोटर लगाई जाएगी तब पानी कुएं से बाहर आएगा और कितनी रफ्तार से निकलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी पावर की मोटर लगी होगी। ये हमें इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्या? बताइए। सर, पूछो बेटा। वो हाफ एम बाय टी वी स्क्वायर था ना, तो सर वी की वैल्यू कहाँ से लिखी हमने? 10। ये है ना v, कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब कितनी वेलोसिटी चाहिए जब नल से बाहर निकल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। यस सर। और कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया कि ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गया क्या? नो सर। चलिए, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया तो मैं क्लियर कर दूं बेटा ड्राइंग। यस सर, डन। चलो ठीक बच्चों, तो मैं क्लियर कर देता हूं। चलो तो फिर और आगे बढ़ते हैं। तो एक और छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यहां पर मान लीजिए कि बच्चों एक यहां पे इस तरीके से कार है ऐसे, और ये कार में कांस्टेंट पावर दी जा रही है, मतलब ये कार जो है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट पावर से मूव कर रही है, मतलब फोर्स लग रहा होगा उसमें लेकिन पावर हमेशा कॉन्स्टेंट है, पी जो है वो कॉन्स्टेंट है और इसकी इनिशियल रफ्तार जो है वो यू है। तो बोला गया कि जब कॉन्स्टेंट पावर से आगे चल रही है तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, एक्सलरेट हो रही होगी, तो कुछ समय के बाद एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ये, कुछ समय के बाद एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और ये कार की जो रफ्तार है बच्चों वो यू से बढ़कर, कार की जो वेलोसिटी है वो यू से बढ़कर वी हो जाती है आफ्टर कवरिंग एस डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो यू से वी हो जाती है। तो बच्चों जब कांस्टेंट पावर है और यू से वी रफ्तार हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी यू है और वी वेलोसिटी वी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको फाइंड करना है जब कांस्टेंट पावर इस कार पे लगाया जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी हो चुकी है। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा ये आपको बताना है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो इसका आंसर देखें तो बच्चों ये कॉन्स्टेंट पावर वाला सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप पावर का फॉर्मूला जानते हो ना बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी गिवन है और फोर्स पता हो तो हम फोर्स इंटू वेलोसिटी से पावर निकाल सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यहां पे फोर्स को आप लिख सकते हो, फोर्स हमें पता नहीं, तो फोर्स हम लिख सकते हैं कांस्टेंट पावर अपॉन वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे वी वेलोसिटी है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो हम किसी भी टाइम पे वी वेलोसिटी मान रहे हैं, तो उस समय पे जो फोर्स लग रहा होगा वो पावर अपॉन वेलोसिटी लग रहा होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। और फोर्स को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस कार का मास एम दिया हुआ है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो ये पावर अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो कार का एक्सेलरेशन जो है वो पावर अपॉन मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, देखो आप। और पावर तो कांस्टेंट है लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे चाहिए, कैसे निकलेगा? तो एक्सेलरेशन का बच्चों एक फॉर्मूला आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, दैट इज वी डी वी बाई डी एस। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, वी डी वी बाई डी एस। तो एक्सेलरेशन की जगह लिखें वी डी वी बाई डी एस, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन तो ये आ जाएगा पावर अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो पावर अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाला फैक्टर इधर ले आओ, तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू डी भी, और डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर इधर ले जाओ, तो पावर भी कॉन्स्टेंट है मास भी कॉन्स्टेंट है, इनटू डी एस हो जाएगा। अब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से S हो रहा है, तो एस डिस्प्लेसमेंट में जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब उसकी इनिशियल रफ्तार यू थी बच्चों, और जब डिस्प्लेसमेंट एस हो चुका है तो फाइनल रफ्तार जो है वो वी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर डी वी का वैल्यू आएगा वी क्यूब माइनस यू क्यूब, अगर हम लिमिट लगा देंगे, डिवाइड बाई 3। ये सब जानते हो आप, है ना? तो ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, वी का
वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो अपर लिमिट लगाओगे तो वी क्यूब मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो यू क्यूब मिलेगा, और ये पावर अपॉन मास, क्योंकि पावर कांस्टेंट था तो वो तो इंटीग्रेशन के बाहर है, मास भी कांस्टेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ जाएगा। तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का कितना आया आंसर, डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया वी क्यूब माइनस यू क्यूब अपॉन 3, और ये मास जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड बाई एम, और जो ये पावर है बच्चों वो डिवाइड में चले जाएगा तो 3p। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से अगर आपको कांस्टेंट पावर में क्वेश्चन आए तो ये याद रखिएगा अप्रोच बच्चों, इस अप्रोच को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मेट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्लियर होगा। बोलिए स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो फिर मैं आगे बढ़ूं? बोलिए। यस सर। चलिए, तो एक और बहुत अच्छा सेक्शन जिसमें कंपटीशन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है कुछ में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सेक्शन आप हेडिंग डालो बच्चों, इसको बोला जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, देखिए। तो इसमें वर्क का बड़ा अच्छा यूज होता है, वर्क एनर्जी का। तो देखिए कैसा होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसा होगा बच्चों कि लेट सपोज कि आपने यहाँ पर एक जो है स्ट्रिंग लगा दी जिसका लेंथ जो है वो आर है ना, स्ट्रिंग लगा ली आपने एक पॉइंट पे, हिंज कर दिया बच्चों, और यहाँ पे एक आपने स्ट्रिंग लगा ली और स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध दिया, या फिर इसको बोलते हैं बॉब, एक एम मास का बॉब जो है वो इससे हैंग कर दिया। अब आप सोचो ये जो एम मास का बॉब हैंग है, आप ऐसे करके देखना बच्चों कि कोई भी स्ट्रिंग ऐसे लेना, नीचे स्टोन बांध देना और उसको ऐसे हैंग कर देना, और फिर वो स्टोन का वेलोसिटी देना, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली उसको वेलोसिटी देना, ऐसे धक्का देना, धक्का देना अपने हाथ से, तो आप देखोगे अगर आप उसको धीरे से धक्का दोगे, ये अगर ये यू बहुत कम है, बहुत कम है, तो आपको समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये ऊपर जाके वापिस नीचे आएगा, और ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ये पेंडुलम, पेंडुलम जैसा करेगा बच्चों, पेंडुलम जैसा करेगा, अगर आपने रफ्तार बहुत कम दी है तो। वहीं पर अगर आपने इसको बहुत तेजी से कर दिया बच्चों, बहुत तेजी से, ये आपने बॉब है, ये एम मास का बॉब है, इसको आपने अब नीचे रफ्तार दी बहुत ज्यादा तेजी से, आपने बहुत तेजी से हाथ मार दिया मान के चलिए इस बॉब को, तो आप ये देखोगे कि ये पूरा घूम जाएगा, घूम जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये पूरा सर्कल करेगा, सर्कल करेगा, और ये जो सर्कल करेगा इसी को वर्टिकल सर्कल कहा गया, वर्टिकल सर्कल कहा गया, वर्टिकल सर्कल कहा गया, है ना बच्चों। यानी कि अगर हम बहुत कम रफ्तार देते हैं तो ये पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करना लगता है, और अगर हम बहुत तेज रफ्तार दें, बहुत तेजी से उसको हाथ मार दो आप, धक्का मार दो, तो आप देखोगे ये बार बार गोल 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 ऐसे घूम जाएगा, वर्टिकल में घूम जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे, तो इसको वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, वर्टिकल सर्कल। तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। वहीं पे अगर आप इनके बीच में कहीं धक्का देते हैं बच्चों, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर यू जो है वो इंटरमीडिएट है कुछ, यू जो है तो ये कुछ ऐसे थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कल छोड़ दे, मतलब वर्टिकल सर्कल का जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उसको छोड़ सकता है। कम रफ्तार दोगे, थोड़ा और ज्यादा दोगे तो और बड़ा पेंडुलम करेगा, और ज्यादा रफ्तार दोगे तो और बड़ा पेंडुलम करेगा, फिर एक समय आएगा कि कुछ रफ्तार दोगे तो ये यहां से वर्टिकल सर्कल का पाथ छोड़ देगा, है ना, लीफ्स सर्कुलर पाथ, लीफ सर्कुलर पाथ, ऐसी वेलोसिटी होगी, लीफ्स सर्कुलर पाथ। और अगर बहुत ज्यादा रफ्तार दोगे तो फिर वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगा पार्टिकल, ऐसे पूरा सर्कल करेगा, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल प्लेन में ना, तो इसको वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। यानी कि ये पार्टिकल क्या करेगा, पेंडुलम की वर्टिकल सर्कल की सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉब को दी गई रफ्तार है इनिशियल वो कितनी है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो वर्टिकल सर्कल करेगा, बहुत कम है तो पेंडुलम करेगा। आप करके देखना एक्सपेरिमेंट, आप घर पे ही करना, कोई भी आपके पास रस्सी हो आप उससे पत्थर को बांध के करना और हाथ से उस पत्थर को धीरे से मारना,
तो आप देखोगे कि पेंडुलम हो रहा होगा, जोर से मारना तो देखोगे वर्टिकल सर्कल हो रहा, और बीच में किसी स्पीड में मारना तो देखना ये जो है सर्कुलर पाथ छोड़ भी देता है। यानी कि वो क्या करेगा पार्टिकल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनिशियल रफ्तार कितनी है बच्चों, क्या दी गई है। तो हमें ये जो वेलोसिटी है इस पर डिपेंड कर रहा है ना कि पार्टिकल क्या कर रहा है, तो हमें इस वेलोसिटी की रेंज बतानी है कि कब ये वर्टिकल, कितनी वेलोसिटी पे वर्टिकल सर्कल करेगा, हम कितनी वेलोसिटी दें कि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर ले, कितनी वेलोसिटी दें कि वो पेंडुलम ही करता रहे, और कितनी वेलोसिटी हो कि वो ये जो पाथ है उसको छोड़ दे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें ये यू के बारे में समझना है कि हम कितनी वेलोसिटी दें, उसकी वैल्यू क्या हो कि वर्टिकल सर्कल कर ले, कितनी वेलोसिटी हो कि वो पेंडुलम करे, और कितनी वेलोसिटी पे वो लीव कर जाए। तो ये पूरी एनालिसिस करना है, और इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं, बताइए बच्चों। Yes. ये है, बाकी आप अपने से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से महसूस होगी कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल को करना क्या है। बोलो बेटा, क्लियर है ये? तो फिर मैं आगे एनालिसिस बढ़ाऊं। यस सर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात तो हम कंप्लीट वर्टिकल सर्कल की बात करते हैं। देखो कैसे, फिर बाकी की रेंज, बाकी की चीजें के पे तो हम बात कर ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे बच्चों ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो अभी मैं मान रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल जो है ये ऐसे सर्कल में सर्कुलर मोशन करना चाहता है भाई, यहाँ पे हमने इसको हैंग किया है रस्सी को, और रस्सी जो है बच्चों ये है इस तरीके से, ये आपकी रोप है, और यहाँ पे हमने बॉब लटका दिया, और इसको हमने यहाँ से यू रफ्तार दे दी। अब अगर मान लो कि ये वर्टिकल सर्कल कर रहा है तो ये पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो ये मान लो जहाँ पे हमने इसको रफ्तार दी वो पॉइंट ए है, फिर ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट का सी है, और ये वाला पॉइंट बच्चों डी है। तो अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ए से बी जाएगा, फिर बी से सी आएगा, सी से डी आएगा, और डी से ए आएगा। तो पहले तो हम ये एनालिसिस करें, अच्छा अगर इसको वर्टिकल सर्कल करना है तो बच्चों इसको गोल घूमना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में घूमना पड़ेगा, और सर्कुलर मोशन में अगर घूमना है तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल चाहिए, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल देगा कौन, यहाँ तो एक ही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल दे सकता है, वो है टेंशन। अगर टेंशन जीरो हो गया, अगर टेंशन जीरो हो गया तो फिर ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, क्योंकि रस्सी स्लैक कर जाएगी, और रस्सी अगर स्लैक कर गई टेंशन जीरो हो गया तो फिर ये सर्कल पाथ को छोड़ देगा। यानी कि अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना है तो हर एक पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल के हर एक पॉइंट पे टेंशन जो है बच्चों वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो हुआ तो रस्सी स्लैक कर गई, रस्सी स्लैक कर गई तो इसका मतलब काम खत्म है। रस्सी स्लैक कर गई तो फिर टेंशन मिलेगा नहीं, टेंशन मिलेगा नहीं तो सर्कल के लिए सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा, सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो इसका मतलब अगर इसको कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करना है तो एवरीवेयर एवरीवेयर टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टेंशन एवरीवेयर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो वो मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बच्चों, टेंशन एवरीवेयर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन है जो हमें यू की वैल्यू बताएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखेंगे कि वर्टिकल सर्कल के लिए जो आपका टेंशन है हर एक जगह पर, टेंशन एट एवरीवेयर ऑन वर्टिकल सर्कुलर पाथ मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी कि फोकस करो टेंशन पर, यू की वैल्यू अपने आप आएगी। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको एनालिसिस से बताता हूं। पहले यहां तक आप बताओ कि यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों कि नहीं, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं, बोलिए। यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इस पूरे पाथ को जरा हम एनालाइज कर लेते हैं। ए से बी जाते हैं, ए से बी को हम एनालाइज करते हैं, पहले बी से सी को करते हैं। अच्छा, सी से डी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा बी से सी होगा वैसा ही सी से डी होगा, और जैसा ए से बी होगा वैसा ही डी से ए होगा, क्योंकि सिमेट्री है ना।
इसलिए मैं यहाँ पे दो पाथ को एनालाइज करता हूँ दो जगहों पर, एक ए से बी को एनालाइज करते हैं कि टेंशन की क्या वैल्यू है, और बी से सी को एनालाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। देखो तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में टेंशन की एनालिसिस करेंगे, किस पाथ में बच्चों, ए से बी, ए टू बी। तो देखो ए से बी में कैसे एनालिसिस करेंगे, ये मान लीजिए कि आपका वर्टिकल वाला है और किसी मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ बी है, तो इसके बीच में कहीं आपका ये पार्टिकल है बच्चों, और इस पार्टिकल की अब देखो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा बच्चों तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो जो U है वो चेंज होगा, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो U जो है वो कम होता जाएगा। तो कोई इंटरमीडिएट स्टेज पे मान लीजिए किसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों V, और ये M मास का बॉब है, तो टेंशन की डायरेक्शन बच्चों ऐसी होगी, ये आपको पता है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, Mg फोर्स लगेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इस पार्टिकल पे बैठ जाएं तो याद करो बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगल लगता था, एक सेंट्रीफ्यूगल लगता था याद करो, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर। और अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो एम जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के साथ वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि टेंशन निकालना ना, तो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में एम जी का एक कॉम्पोनेंट आएगा, डेट इज एम जी कॉस थीटा। तो बच्चों ए से बी में टेंशन का क्या हुआ, टेंशन का क्या हुआ, टेंशन की क्या वैल्यू है, देखो आप, तो टेंशन की वैल्यू है रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूगल ले लिया, तो टेंशन की वैल्यू हो गई किसी भी एंगल थीटा पर एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, प्लस एम जी कॉस थीटा। देखो ये टेंशन की वैल्यू, अब आप खुद सोचो। हाँ बोलो बेटा। सो प्लीज एक्सप्लेन अगेन, माय कॉल वाज ड्रॉप। मैंने कहा कि हम ए से बी अगर टेंशन का एनालिसिस कर रहे हैं तो ए से बी में किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर, क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी रफ्तार कम होगी, तो मान लीजिए यू से इसकी वेलोसिटी कम होकर वी हो गई किसी भी एक पॉइंट पर, और ये एंगल जो है वो थीटा है, तो यहाँ पे बच्चों नीचे फोर्स लग रहा है एम जी, रस्सी के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टेंशन, और अगर हम इसी पार्टिकल में बैठ जाए तो एक सेंट्रीफ्यूगल लगाते थे हम, सर्कुलर मोशन अगर आपको याद हो, तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, इस हिंज पॉइंट के अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर इसकी वेलोसिटी वी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, तो यहाँ पे प्लस एम जी का एक कॉम्पोनेंट भी लेना पड़ेगा रेडियल डायरेक्शन में, तो एम जी के साथ ये थीटा अटैच है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट एम वी स्क्वायर की डायरेक्शन में है, एम वी स्क्वायर बाई आर की डायरेक्शन में, डेट इज एम जी कॉस थीटा। तो रेडियल डायरेक्शन में हम फोर्स की बैलेंसिंग कर लें भाई, सर्कुलर मोशन में ऐसे ही करते थे, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब टेंशन का एनालिसिस करें तो जब बच्चों ए से बी जा रहे हो तो ये थीटा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, जब पार्टिकल ए पे था तो थीटा जीरो था, पार्टिकल बी पे था तो इस वर्टिकल से बी पर जो थीटा है उसकी 90 वैल्यू हो गई, यानी जब आप ए से बी ट्रेवल कर रहे हो, ये पार्टिकल ए से बी मोशन कर रहा है, तो जो थीटा है वो बढ़ रहा है, थीटा जो है वो बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, आपको पता है कि थीटा अगर बढ़ता है, एंगल बढ़ता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, क्योंकि कॉस जीरो पे मैक्सिमम होता है और कॉस 90 पे मिनिमम होता है, तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, और वेलोसिटी भी घट रही है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, तो वेलोसिटी भी घट रही है, वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, तो देखो बच्चों वेलोसिटी भी घट रही है, तो एम वी स्क्वायर वाला आर वाला कॉम्पोनेंट जो है टर्म है वो भी घट रहा है, और एम जी कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट वो भी घट रहा है, क्योंकि कॉस थीटा भी घट रहा है, तो ए से बी जाने पर दोनों घट रहे हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर भी घट रहा है और एम जी कॉस थीटा भी घट रहा है, तो टेंशन भी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, तो ए से बी जाते समय टेंशन डिक्रीजेस, तो ए से बी में मिनिमम टेंशन कहां होगा बच्चों, बी पर, क्योंकि ए से बी जाते समय कॉस थीटा भी घटता है, वेलोसिटी भी घटती है, तो दोनों का सम जो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी कॉस थीटा दोनों ही घट रहा है, तो टेंशन भी तो घटेगा, टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेस। पहले बोलो बच्चों ए से बी में टेंशन क्या सर क्या हो रहा है टेंशन के साथ, ये समझ में आया कि नहीं, टेंशन डिक्रीजेस, ये क्लियर है कि नहीं बेटा, बताइए। यस सर। चलिए
अब हम बी से सी में एनालिसिस करते हैं जरा, बी से सी है ना, तो सेकंड केस में बी से सी एनालिसिस करते हैं कि बी सी में क्या हो रहा है। तो बी सी में किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे आप चले जाओ ऐसे, और ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा लो। तो मैं यहां पे बना देता हूं फिर से डायग्राम, देखो ये वर्टिकल है, ये हमारा हिंज पॉइंट है, ये हमारी रोप है, ये एंगल है, तो यहाँ पे ये टेंशन है अलोंग द रोप, ये एंगल थीटा है मान लो, और इसकी वेलोसिटी बच्चों ये वी है। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, एम जी, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये टेंशन और एम जी का एक कॉम्पोनेंट टेंशन की डायरेक्शन में, तो टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। और इस पार्टिकल पे बैठ जाओ तो एक रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, इसकी लेंथ जो है वो तो आर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब फोर्स की बैलेंसिंग करनी है रेडियल डायरेक्शन में, तो टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर को। तो टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों अब क्या हुई बी से सी में, तो ये हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो, जब आप बी से सी जा रहे हो तो देखो बी पर ये जो थीटा था मैक्सिमम था, और सी पर जाते जाते ये थीटा जीरो हो जाएगा। तो बी से सी जाते समय थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो बी से सी जाते समय थीटा डिक्रीजेस, और अगर थीटा डिक्रीजेस तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा कम होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी तो डिक्रीज ही कर रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस है ना। अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो जो ये पॉजिटिव वाला टर्म है बच्चों बी से सी में एम वी स्क्वायर बाई आर, ये तो कम हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, और जो माइनस हो रहा है एम जी कॉस थीटा वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव क्वांटिटी जो माइनस हो रही है वो इंक्रीज कर रहा है, और जो जिससे माइनस हो रही है पॉजिटिव क्वांटिटी वो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो तो डिक्रीज ही करेगा। तो टेंशन अभी भी डिक्रीज कर रहा है, बी से सी जाते हुए भी टेंशन डिक्रीज कर रहा है। देखो बच्चों अच्छे से समझो, बी से सी जब हम जा रहे हैं तो थीटा डिक्रीजेस तो कॉस थीटा इंक्रीजेस, तो जो नेगेटिव वाला टर्म है वो इंक्रीज कर रहा है और जो पॉजिटिव वाला टर्म है वो डिक्रीज कर रहा है, तो जो डिफरेंस है वो तो डिक्रीज ही करेगा भाई, जिसको माइनस कर रहा है वो कम हो रहा है, और जिससे माइनस कर रहा है वो कम हो रहा है, और जिसको माइनस कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कम होगा, वो टेंशन है, डिफरेंस ही तो टेंशन है ना। तो टेंशन और अल्टीमेटली डिक्रीजेस, तो बी से सी में भी टेंशन डिक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों समझ में आया कि नहीं बताओ, बताइए यहां पर। यस सर। यानी कि हो क्या रहा है कि जब आप ए से बी, बी से सी जा रहे हो इस पाथ में, तो टेंशन डिक्रीज कर रहा है। अच्छा वैसे ही काम यहां पे होगा, तो इसका मतलब जब आप सी से डी आओगे तो टेंशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसा बी से सी है वैसा डी से सी है ना, तो डी से सी जाते समय टेंशन डिक्रीज होगा, तो सी से डी जाते समय टेंशन इंक्रीज होगा, और डी से ए आओगे तो फिर से टेंशन इंक्रीज होगा। यानी कि पूरे पाथ में एबीसीडी, पूरे वर्टिकल सर्कल के पाथ में टेंशन सबसे मिनिमम कहां है, सबसे मिनिमम कहां पे है आप खुद बताओ, आप लोग बताएंगे सबसे कम टेंशन किस पॉइंट पर है पूरे वर्टिकल सर्कल के पाथ में, बोलिए सबसे कम टेंशन कहां है। सबसे ज्यादा है सी पर हुआ ना, ए से सी जाते समय टेंशन कम हो रहा है, फिर सी से डी, डी से ए आते समय टेंशन बढ़ रहा है, तो सबसे कम टेंशन वाला पॉइंट तो सी हुआ ना। तो टेंशन इज मिनिमम एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर जो है बच्चों टेंशन मिनिमम है, अपनी मिनिमम वैल्यू पर है। तो अगर टेंशन जो है सी पॉइंट पे मिनिमम है, तो सोचो अगर पूरे वर्टिकल सर्कल में जहां पे टेंशन मिनिमम है वहीं अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब टेंशन एट सी पॉइंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम, मैंने क्या बोला कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए हर जगह पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मिनिमम जहां पर हो रहा है टेंशन सी पर, अगर जिस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है वहीं जीरो से ज्यादा हो जाए, तो फिर हर जगह पे तो जीरो से ज्यादा ही होगा टेंशन, हर जगह पे जीरो से ज्यादा ही होगा। अगर मिनिमम जहां टेंशन हो रहा है वहीं जीरो से ज्यादा हो जाए, तो हर पॉइंट पर एवरीवेयर टेंशन अपने आप जीरो से ज्यादा होगा। यानी कि अब हमारे पास एक कंडीशन आई कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, फॉर कंप्लीट
वर्टिकल सर्कल टेंशन एट पॉइंट सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. अरे सी पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, समझे इस बात को, क्योंकि टेंशन पूरे वर्टिकल सर्कल में सी पर मिनिमम है, और अगर मिनिमम पे ही ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो फिर वो हर जगह ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा. तो टेंशन अगर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कराना है तो सी पर टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए ये कंडीशन आ गई बच्चों कि टेंशन जो है सी पर उसको ग्रेटर देन जीरो रखो, तो हर जगह पे ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, और हर जगह पे ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा. पहले बोलिए ये पूरी कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है. अब हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए. बोलिए बच्चों क्लियर है ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट? नो सर. अच्छा एक बात और मैं आपको बच्चों बता दूं कि देखो जब ए से बी पार्टिकल जा रहा है तो ए से बी जाते समय टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. देखो इन पाथ ए बी, इन ए बी टेंशन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि देखो नेवर बी जीरो, क्योंकि देखो आपको एक्सप्रेशन बता रहा है टेंशन का कि ये दोनों जो क्वांटिटी है वो प्लस हो रहे हैं. वेलोसिटी जीरो हो जाए, जैसे मैंने पेंडुलम का केस बोला, तो पेंडुलम में ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वो नीचे वापस आ जाएगा, बट टेंशन जीरो नहीं होगा, टेंशन जीरो नहीं होगा. वेलोसिटी जीरो हो सकती है, क्यों टेंशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है वो ऐड हो रही है. तो अगर एम वी स्क्वायर बाई आर जो है अगर वो जीरो भी हो जाता है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर अगर जीरो भी हो जाता है तो एम जी कॉस थीटा है जो टेंशन प्रोवाइड कर देगा, तो एम जी कॉस थीटा वाला टर्म हमेशा टेंशन देगा. तो ए से बी में कभी भी टेंशन जो है वो जीरो नहीं हो सकती, यानी ए से बी में कभी भी जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा, वो पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा बट रहेगा तो सर्कुलर पाथ में ही, तो सर्कुलर पाथ कभी भी नहीं छोड़ सकता. कहां से कहां तक बच्चों? ए से बी में. क्यों? क्योंकि ए से बी में टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता. टेंशन के जीरो होने का खतरा कहां पे है? बी से सी में. बी से सी में टेंशन मे बी जीरो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा जीरो होगा, बट बी से सी में इन बी सी, इन बी सी टेंशन मे बी जीरो, टेंशन जीरो हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहां पर जो है वो माइनस है, देखो बीच में माइनस साइन है, तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी रफ्तार में एम वी स्क्वायर बाई आर वाला कॉम्पोनेंट एम जी को बैलेंस कर दे, तो टेंशन जीरो हो जाए, और टेंशन जैसे ही जीरो हुआ तो फिर ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा. तो सर्कल छोड़ने का, सर्कुलर पाथ छोड़ने का खतरा कहां पर है? बी से सी में, ना कि ए से बी में. ए से बी में कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ता वो पेंडलम करेगा बट सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ेगा. लेकिन बी से सी में माइनस हो रहा है तो ऐसी कोई रफ्तार हो सकती है जहां पर ये दोनों जीरो हो जाए, दोनों का समेशन जो है क्योंकि माइनस है तो दोनों क्वांटिटी अगर सेम मैग्नीट्यूड की हो जाएंगी तो फिर जीरो आ जाएगा. तो यहां पे सर्कल का छोड़ने का खतरा है, लेकिन हमेशा छोड़ेगा ये जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें. अगर मान लो वी वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे दी है आपने, तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो एम जी कॉस थीटा से कई काफी ज्यादा है, तो फिर टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा और पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कर रहेगा. इसलिए मैंने लिखा मे बी जीरो, अगर उतनी रफ्तार नहीं हुई और दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर आपने काफी रफ्तार दी हुई है उसको तो वो अपने आप वर्टिकल सर्कल कर लेगा और टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी, है ना बच्चों? तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं बी से सी में, लेकिन ए से बी में कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगा. देखो ये एक्सप्रेशन बता रहा है क्योंकि पॉजिटिव है. वेलोसिटी जीरो हो भी जाएगी तो एम जी कॉस थीटा तो है ही टेंशन देने के लिए, तो एम जी कॉस थीटा टेंशन प्रोवाइड कर देगा. अच्छा बच्चों एक बात और जो मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो टेंशन है ये जो सर्कुलर पाथ है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, और टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में, ये हमेशा परपेंडिकुलर है. तो टेंशन और एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल का जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो होगा. यहां पे भी टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में और वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री पर है. तो एम वी स्क्वायर का और टेंशन का हमेशा वर्क डन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कितना होता है बच्चों? जीरो. यानी वर्क डन केवल कौन कर रहा है? एम जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर केवल एम जी फोर्स वर्क डन कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, और अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करता है तो हम कौन सी चीज लगा सकते हैं बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन. इसलिए हम यहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे. क्यों एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे?
टेंशन भी है, सूडो भी है, सेंट्रीफ्यूगल इज द सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल, बट हम वर्टिकल सर्कल में एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सूडो का और टेंशन का जो वर्क डन है वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में होते हैं और वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो केवल वर्क कौन करता है, एमजी जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अब हम एनालिसिस करते हैं कि वर्टिकल सर्कल के लिए कितनी रफ्तार होनी चाहिए, यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर पाए। तो चलिए बच्चों इसको क्लियर करते हैं ड्राइंग और फ्रेश पेज में इसको एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। बोलिए बच्चों यहां तक क्लियर है, समझ में आया है? यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हम ए से बी पहुंचेंगे तो सर थीटा तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो mg cos थीटा जीरो नहीं होगा फिर? हाँ mg cos थीटा जीरो होगा ना, तो टेंशन जीरो बी पे हो सकता है ना, ए से बी के बीच में थोड़ी ना होगा। अगर वेलोसिटी भी जीरो हो जाए और mg cos थीटा, तो मैंने क्या कहा कि ए से बी में टेंशन नेवर बी जीरो, बी के बाद तो हो सकता है क्योंकि बी से सी में तो टेंशन के जीरो होने के चांसेस हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। तो फिर आगे बढ़े जल्दी से बेटा, क्लियर कर दूं ड्राइंग, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए देखिए भाई, ठीक। तो देखो बच्चों फिर से हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कल बना लेते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मतलब कुछ केसेस में करा देता हूँ आपको, है ना। तो केस वन, अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, मतलब हम ये नहीं मान रहे हैं कि अभी वो पेंडुलम कर रहा है या फिर वो वर्टिकल पाथ छोड़ देगा, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि वर्टिकल सर्कल कर रहा है और उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि अगर पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर रहा है इस तरीके से, तो पार्टिकल को कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करने के लिए टेंशन हर जगह पे जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है बच्चों डी, और जहां से आपने रफ्तार दी है यू, ये वाला पॉइंट है ए। तो सी पर जो टेंशन होनी चाहिए फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, क्योंकि अगर सी पे जीरो भी हो गई, टेंशन जीरो भी हुआ, तो वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी होगी वी, है ना बच्चों, तो ये वेलोसिटी वी इसको आगे ले आएगा और फिर से टेंशन बढ़ जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल टेंशन एट सी पॉइंट, जहां पे मिनिमम है वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर जीरो है, हाँ कहीं और जीरो हुआ तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, लेकिन टेंशन अगर सी पे जीरो होता है तो भी वो कंप्लीट वर्टिकल कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं और यू की रेंज निकालते हैं कि किस वैल्यू के लिए, और ये इसकी लेंथ जो है वो आर है और बॉक का मास जो है बच्चों वो एम है, तो किस रेंज के लिए यू की ये कंप्लीट वर्टिकल करेगा। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले बच्चों एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना, अगर हम टेंशन की वैल्यू लिखें सी, टेंशन एट सी चाहिए ना, तो टेंशन जो है वो तो नीचे लगेगी अलोंग द रो, तो दिस इज टेंशन एट सी, और एमजी फोर्स भी बच्चों कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इसकी रफ्तार अगर भी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियल डायरेक्शन में आप टेंशन जो है वो बैलेंस करो, फोर्स की बैलेंसिंग करो, तो टेंशन एट सी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से टेंशन एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें एम वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो बच्चों। अब हम m मतलब एम वी स्क्वायर यानी v नहीं पता, तो v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब v की वैल्यू निकालने के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन करें a से c तक। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं बच्चों, सिंपल सी चीज है एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट c। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क डन केवल mg कर रहा है, टेंशन और सूडो का वर्क डन जीरो है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एट ए मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अच्छा जहां से ये पार्टिकल को हमने रफ्तार दी है इसको हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, है ना बच्चों, और ऊपर की डायरेक्शन में जो है ये कितनी हाइट ऊपर है बच्चों इस रेफरेंस लेवल से, तो आर प्लस आर सी जो वाला जो पॉइंट है उसकी कितनी हाइट है 2R, है ना, रेफरेंस लेवल ए से सी की कितनी हाइट है बच्चों 2R। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए लिखो तो यू रफ्तार है ए पर, तो हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्योंकि यहां पर जीरो लिखोगे क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी हम ग्रेविटेशनल जीरो मानते हैं।
फिर काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो यहाँ पे रफ्तार वी है, तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो रेफरेंस लेवल से 2R ऊपर है, तो एम जी एच, एच की वैल्यू बच्चों 2R है, तो 2mgr हो जाएगा, है ना। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां से देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो देखो एम वी स्क्वायर जो है हाफ, वो कितना आ जाएगा 2mgr को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2mg इंटू आर, और 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ये आ जाएगा हाफ एम, हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हाफ लिखने की बच्चों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 2 उधर चला गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एम यू स्क्वायर बचेगा माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 4, तो 4mgr है ना बच्चों, ये सिंप्लीफाई कर दिया, तो देखो ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के बच्चों यहां पुट कर दो, तो टेंशन एट सी मिल जाएगा हमें, तो टेंशन एट सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो एम वी स्क्वायर में डिवाइड बाई आर भी है बच्चों, तो यहाँ पे डिवाइड बाई आर कर देना, तो एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा माइनस 4mgr डिवाइड बाई आर, इसमें भी आएगा क्योंकि एम वी स्क्वायर में डिवाइड बाई आर है, और माइनस mg, तो r और r कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, टेंशन एट सी इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg माइनस mg, तो माइनस 5mg आ जाएगा बच्चों। अब फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, अभी हमने देखा कंप्लीट वर्टिकल सर्कल के लिए जो टेंशन एट सी है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो टेंशन एट सी तो हम निकाल चुके हैं, एम यू स्क्वायर बाई आर माइनस 5mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 5mg को उधर ले जाओ, तो एम यू स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5mg, तो m और m कैंसल, तो आपकी जो रफ्तार है वो आ जाएगा बच्चों u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r को उधर मल्टीप्लाई करो तो 5gr, और स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो तो इनिशियल स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 5gr, यानी कि जब आप इस पार्टिकल को रफ्तार जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी दोगे बच्चों, रूट 5gr, इससे ज्यादा रफ्तार दोगे या रूट 5gr दोगे, केवल तभी वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा, अगर इससे कम रफ्तार आपने दी तो वो कभी भी वर्टिकल सर्कल नहीं करेगा। देखो मेरे ख्याल से ये जो एनालिसिस है वो आपको क्लियर होगी, तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करने की एनालिसिस क्या बोलती है, कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्टिकल केवल तभी और तभी कर सकता है जब उसकी रफ्तार रूट 5gr से ज्यादा होगी, नहीं तो फिर वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल नहीं कर पाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पूरी एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो क्लियर हुआ। बोलिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई समस्या, ये समझ में आया है? यस सर। तो अब आपसे कोई पूछा जाए कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्टिकल कब करेगा, जब उसकी जो वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, रूट 5gr, तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो बच्चों अच्छे से समझ लो, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे मैंने समझाया है वैसे ही अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप किताबों से पढ़ने जाओगे तो इसको समझना बड़ा टफ होता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता किताबों से, है ना, इसलिए जैसे मैंने आपको एनालिसिस कराई है पूरी एनालिसिस बिना देखे आपको करनी चाहिए खुद, है ना, घर पे आप इसको एक बार सॉल्व करना तो आपको समझ में आ जाएगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए टफ टॉपिक होता है। बोलिए क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब इसमें क्या है ना बच्चों कि बेसिकली एक और, मतलब इसमें दो केसेस और है, एक पेंडुलम वाला केस है जो मैंने आपको बताया उसके लिए कितनी रफ्तार होनी चाहिए, और एक जब वो छोड़ देता है ना, सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तब क्या होगा, ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब वर्टिकल सर्कल का आगे के दो केसेस करेंगे तो उसके लिए प्लीज इसको रिवाइज करके आइएगा, है ना, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, और रिवाइज करके आओगे तो बहुत अच्छे से आपको आगे के केसेस भी समझ में आएंगे, है ना। तो आई होप ये सारी चीजें, सारी बातें आपको क्लियर हों। ठीक है बच्चों, तो मैं ड्राइंग क्लियर कर दूं, आप लिख लिया है आप लोगों ने? यस सर। चल ठीक है।
तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान दें कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये पूरी चीजें रिवाइज करना है ना, तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।